बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह विकास योजनाओं को लेकर समाहरणालय स्थित कारगिल विजय भवन में पहुंचे। यहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद गिरिराज सिंह ने हैदराबाद चुनाव और किसान आंदोलन को लेकर बयान दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि हैदराबाद चुनाव का रुझान जो भी हो, लेकिन राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद हुआ है। वहीं किसान आंदोलन पर उन्होंने कहा कि किसान संगठनों से बातचीत चल रही है। हैदराबाद का चुनाव का नतीजा अब वो हैदराबाद नहीं, अब मैं तो वही कहूँगा प्रयागराज की तरह अब भाग्यनगर का रुझान आ रहा है और देश में अब राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद हो रहा है और हैदराबाद की जीत राष्ट्रवाद की जीत है, वहाँ के लोगों की जीत है। और मेरा मानना है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ था, वंशवाद के खिलाफ था, वो राष्ट्रवाद के पक्ष में था और रिजल्ट भी आज राष्ट्रवाद के पक्ष में आ रहा है। वहाँ का चुनाव राष्ट्रवाद की जीत है। देखिए, मेरा मानना है रिजल्ट तो फाइनल आएगा, लेकिन जो भी आएगा राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद रहेगा। वहाँ के लोगों ने वही मान लिया। भारत की सरकार, कल कृषि मंत्री जी ने किसान नेताओं से बात की है, सकारात्मक चर्चा हुई है। जो सरकार उनके सुझावों को लेकर के कुछ हम सकारात्मक बदलाव भी अगर ज़रूरत पड़ा तो करने में हिचकेंगे नहीं, अगर ज़रूरत पड़ा तो। तेजस्वी क्या करेंगे, बेरोजगार आदमी क्या करता है, रोजगार खोजता है। उनको पता है कि 6 साल पहले जिस सरकार के समर्थक थे 2014 के पहले, उसने MSP कितना बढ़ाया, क्या था। मोदी जी ने MSP 71% से ऊपर कई चीज़ों में ले गए। किस कुछ काम नहीं है तो रोजगार मिल गया है। देखिए, किसान संगठनों से बातचीत हो रही है, जो भी निर्णय होगा सकारात्मक निर्णय होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष की रिपोर्ट।